अब देखो इधर, प्रत्येक कोने पर, एक एक परमाणु होगा प्रत्येक कोने पर हर किसी के। ये लाइन तो हो गई कॉमन हर किसी में के वे घनीय, सुनो इधर, वे इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है वो सरल घनीय इकाई सेल कहलाता है SC। अब बात आती है बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर का मतलब होता है इसके बॉडी के बीचों बीच में एक परमाणु और होगा, यानी कि यहाँ चाहो तो इसके विकर्ण खींच के भी तुम ऐसे बना सकते हो बीचों बीच कहाँ आएगा इसका। तो क्या है कि वे इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है साथ ही उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है वो अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल या BCC कहलाता है। रटने की परिभाषा नहीं है, देखते याद हो रही है। फिर देखो इसमें क्या होता है, जैसे लूडो का डाइस नहीं देखा किसी ने, जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें कितने फलक होते हैं, 6। अब ऐसे 6 के 6 फलक पर एक एक परमाणु होगा तो एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, देखो एक ये आगे होगा और एक ये पीछे होगा, तो पीछे वाला हम दिखा नहीं सकते इसलिए हमने पीछे की साइड दिखा दिया। तो क्या परिभाषा बनेगी, देखो इधर, कि वे घनीय इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है साथ ही प्रत्येक फलक पर भी, प्रत्येक फलक पर भी एक एक परमाणु होता है, यानी कि कोनों पर तो होगा ही होगा साथ में क्या होगा इसके फलक पर भी होगा। नहीं एक मिनट मनीष, देखा ना कोई खड़ा के बाहर, अरे कोई ना है, अरे कोई लड़का है यार, अच्छा तो नगर कभी कोई ओ आराम से बैठ जाओ। देखो इधर, अब इसमें फलक वाला तो हो गया, अब दूसरा क्या है कि ऐसा परमाणु, देखो इधर, ऐसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर तो एक एक परमाणु होगा कॉमन है सब में, साथ में क्या होगा कोई से भी दो फलकों पर हो सकता है, 6 फलक होते हैं लेकिन कोई से दो पर, तो कोई कोई कहेगा कौन से दो पर होगा, है ना, आमने सामने वाले कोई से भी ले लो, अगर तुम यहाँ दिखा रहे हो तो तुम्हें यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ दिखा रहे हो तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, आगे दिखा रहे हो तो पीछे दिखाना पड़ेगा परमाणु, यानी दो परमाणु होंगे तो हम क्या करेंगे आमने सामने के फलकों पर ले लेंगे। तो ये इसी कहलाएगा, परिभाषा बनेगी वे इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है साथ ही उसके किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है। समझ गए परिभाषा, तो परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ देखो सुनो और अपना बना के लिख दो। क्या है कि वे इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है सरल घनीय इकाई सेल, जिसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होता ही है साथ ही उसके एक सेंटर में भी, मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र पर, जैसे केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है वो BCC कहलाता है, और वे घनीय इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है साथ ही प्रत्येक फलक पर भी एक एक परमाणु होता है वो तुम्हारा FCC, और वे घनीय इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है साथ ही किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है वो EC कहलाता है। समझ में आ गया इतना। अब तुम्हारे सामने जो है देखो इधर, ये देखने में टू डायमेंशन फिगर है, टू डायमेंशन फिगर का मतलब सिर्फ दो दिशाओं में चित्र है ये, दो दिशाओं में। अब अगर हम इसे कितना भी कहें कि भाई साहब देखो, जैसा अभी वो ये फैजान पूछ रहा था कि ये वाली भुजा कितनी होगी, तो याद रखना ये वाली भुजा उतनी ही लंबी होती है जितनी ये भुजा होती है, जितनी ये भुजा होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, तीनों बराबर होती हैं, लेकिन किसी से कितना भी कह दो कि भाई साहब ये बराबर होती है कोई मानेगा नहीं, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। समझ रहे हो जी, सेंड कर दें। तो अब किसी को क्या देखना है, देखना ये होता है कि जैसे ये वाली भुजा तुम्हें नीचे को निकलते हुए दिखाई दे रही, नीचे को नहीं है दरअसल ये सामने को है, आगे को, समझ गए, या अगर तुम इसे पट समझो नीचे को रखोगे तो ये ऊपर को होगी, और ये आ जाती तुम्हारे पास, ये है वो साफ साफ, हाँ बहुत देर से देख रहे थे लेकिन किसी को पता नहीं, समझ गए जी, ये है। अब सुनो इधर, अब तुम्हें साफ साफ दिखेगा प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, तो अब तुम्हें क्या नजर आ रहा था, सिर्फ ये एक सिरा नजर आ रहा है, लेकिन अब नजर आएंगे ये देखने कितने, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 ये हो जाते हैं तुम्हारे। अब देखने में भुजा तुम्हारे पास क्या है, ये वाली भुजा ये आ जाती है,
ये वाली देखो सर, ये पीछे की भुजा पीछे की हो जाती है, और ये खड़ी भुजा जो ये तुम्हारी ये वाली भुजा हो जाती है, समझ गए? ये आती है तुम्हारी इस तरीके से। तो ये होता है तुम्हारा एस सी। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे, इसमें कोई भी अलग से एक्स्ट्रा परमाणु नहीं है, सिंपल से इसके एक एक कोने पर सिर्फ एक एक परमाणु है। दूसरा भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये है बी सी सी। कहाँ है परमाणु दिखाई दे रहा है? कितना भी समझा लो किसी को, हर किसी को ऐसा लगता है कि यार यहाँ होगा, बीच में है। बीच में नहीं होता, वो ऐसा होता है। हाँ, बीच मतलब ये तुम्हें ऐसा लगेगा ना जैसे कि यहाँ होगा, यहाँ हर किसी को ऐसा लगेगा फ्रंट पे होगा, फ्रंट में नहीं होता है बिल्कुल। अरे ये देखो, ये कहाँ ब्लैक वाला, यहाँ होता है बीच में, वो तो अपना आप एडजस्ट कर लो कहीं को भी। मतलब अबे सुनो सर, मतलब ये है कि जहाँ बिकण ये और जहाँ बिकण ये आपस में काटेंगे, जहाँ क्रॉस बिंदु होगा वहाँ होगा, वो कर लो अपना आप, वो फिसलता रहता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, प्रत्येक कोने पर तो एक एक परमाणु है, लेकिन साथ में तुम्हारे क्या है, एक सेंटर पे भी है। यह है तुम्हारा बी सी सी। और याद रखना, ये अभी खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी पूरे चैप्टर इन्हीं की जरूरत पड़ती रहेगी। अभी बीच की दूरी निकालेंगे, अभी संकुलन क्षमता निकालेंगे, अभी त्रिज्या निकालेंगे, इनकी घनत्व निकालेंगे, इनके मान क्या होते हैं, इनकी परतें कैसे बनेंगी, बार बार एस सी बी सी सी एफ सी सी यही चलते रहेंगे। और बात आती है अब इस फलक की, देखो सर फलक की, ये है वो एफ सी सी। अब देखने में जो बता रहे थे ना कि प्रत्येक फलक होता है, अब बनाने के लिए तो हम छह बनाते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन मैं किसी एक से दर्शा रहा हूँ कि फलक वाला ऐसे होगा। प्रत्येक कोने पर तो होगा ही होगा, दिखाई दे रहा है, प्रत्येक कोने पर तो एक एक परमाणु है, लेकिन साथ में फलक पर ऐसे होगा, ऐसे इधर की साइड भी, इधर से इधर को लाइन खींचो, बीच में ही आ जाएगा, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, चार और एक यहाँ नीचे से और एक ऊपर से, ऐसे करके चारों ओर से सेम इकसार लगना चाहिए। ये होते हैं तुम्हारे, सुनो सर, ये होते हैं लाइव एक्सपेरिमेंट। लाइव एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जब तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि सब सामान्य बात होती है, मऊ अखड़े में भी देख लो, कहीं भी देख लो, लोग पता क्या करेंगे, पाँच रुपये दस रुपये या सौ पचास रुपये थर्माकोल लेंगे, कोई पिलाई लेगा, उस पर कोई वो प्रयोगशाला विधि बना के ले जाएगा, कोई बांडी ग्राव जनित ले जाएगा, कोई कुछ बना के ले जाएगा। लाइव प्रैक्टिकल याद रखना, सबसे टॉप पे जो माना जाता है वो लाइव एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो ये वाला ना, ये है, तो ठीक इसके ठीक सामने इधर होगा वो दूसरा परमाणु, मतलब इसके ठीक विपरीत साइड में। हाँ, चित्र बना लेंगे, ये होता है तुम्हारे पास। हाँ, सारे चित्र बना लो।